दोस्तों, वफादारी शब्द को यदि किसी जानवर से जोड़ा जाता है तो वह है कुत्ता। कुत्ता मानव का वफादार दोस्त है, भेड़िये का वंशज ये जानवर है जिसे मानव द्वारा सबसे ज्यादा पालतू बनाया जाता है। यकीनन वफादारी भी इसका बहुत बड़ा कारण है। आज हम आपको इसी वफादार जानवर के बारे में रोचक तथ्यों की जानकारी देंगे जो हो सकता है आपको पता ना हो। एक कुत्ते के सूंघने की क्षमता इंसानों की तुलना में 10,000 गुना होती है। इंसान में गंध की 5 मिलियन ग्रंथियां होती हैं, वही कुत्तों में ये नस्ल के अनुसार 125 से 300 मिलियन तक हो सकती हैं। एक बार सूंघी गई वस्तु कुत्ते अगली बार भी पहचान जाते हैं। इस गुण के कारण कुत्तों का इस्तेमाल विस्फोटक और नशीले पदार्थों का पता लगाने में किया जाता है। कुत्तों की सुनने की क्षमता मनुष्य से 5 गुना अधिक होती। उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान और कुत्ते दोनों की सुनने की क्षमता घटने लगती है। लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है कि कुत्ते कलर ब्लाइंड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी आंखों में लाल रंग के लिए रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, इसलिए वे रंगों को काले और सफेद रंगों के शेड में या नीले और पीले रंग के शेड में देखते हैं। कुत्ते इंसानों की तरह सपने देख सकते हैं। उनका सोते समय पैरों का हिलना इस बात का संकेत है कि वो सपना देख रहा है। कुत्ते इंसानों की तरह लेफ्ट और राइट हैंडेड होते हैं। इंसानों का रक्त जहां 4 तरह का होता है, वहीं कुत्ते का रंग 13 प्रकार का होता है। शरीर का तापमान बढ़ जाने के बाद या हांफते समय कुत्ते के सूंघने की क्षमता 40% तक कम हो जाती है। और सबसे खास बात, पैरों के पंजों को छोड़कर कुत्तों को किसी भी अंग पर पसीना नहीं आता। इसकी एकमात्र पसीने की ग्रंथि पांव के अंगूठे के बीच में होती है। कुत्ते की यूरिन में इतना एसिड होता है कि ये मेटल तक को गला सकता है, इसलिए उन्हें मूल्यवान धातु की वस्तुओं से दूर रखें। जब कुत्ते एक दूसरे पर भौंकते हैं तो वे दूसरों से अलग सुनाई देने के लिए अपने भौंकने की पिच को एडजस्ट करते हैं। कुत्तों और इंसानों द्वारा ऑक्सीटोसिन नाम का एक ही लव हार्मोन रिलीज किया जाता है। इस हार्मोन के कारण ही इंसान और कुत्ते दोनों का ही अपने दोस्तों के साथ में मजबूत बॉन्ड होता है। कुत्तों में प्रजनन काल लगभग 9 सप्ताह का होता है। एक बार में कुतिया औसतन 4 से 6 बच्चों को जन्म दे सकती है। जन्म के समय कुत्ते के पिल्ले अंधे, बहरे और दांत रहित होते हैं। अपनी नाक के हीट सेंसर की सहायता से वे अपनी मां को खोज पाते हैं। तेजी से शरीर के विकास के चरण के दौरान कुत्ते के पिल्ले दिन में 18 से 20 घंटे तक सोते हैं, जबकि वयस्क कुत्ते दिन में 10 से 12 घंटे सोते हैं। कुत्ते सर्वाहारी ओमनिवोरस होते हैं, इसका अर्थ है कि वो मांस भी खाते हैं और साथ ही अनाज, फल एवं सब्जियां भी। कुत्ते समूह में रहने वाले जानवर होते हैं, वे अकेले रहना पसंद नहीं करते। कुत्ते के पिल्ले को घर लाने की सबसे सही उम्र 8 से 12 सप्ताह की है। दुनिया में कुत्ते की सबसे पुरानी नस्ल सालुकी है, जिसकी उत्पत्ति 329 ईसा पूर्व को मिस्र में हुई थी। कुत्ते के दौड़ने की रफ्तार 19 मील प्रति घंटे होती है, लेकिन कुत्ते की नस्ल ग्रेहाउंड के दौड़ने की रफ्तार 44 मील प्रति घंटे तक हो सकती है, जो दुनिया में कुत्ते की सबसे तेज रफ्तार है। 9 साल का कुत्ता 15 साल के इंसान के जितना समझदार होता है। कुत्ते 1000 से अधिक शब्द भी सीख सकते हैं। धैर्य के साथ कुत्तों को पीछे की तरफ चलना, सलाम करना और झुकना भी सिखाया जाता है। अमेरिका के ओक्लाहामा में कुत्तों को चिढ़ाना अपराध समझा जाता है। यदि आपने वहां कुत्तों को चिढ़ाने की गलती कर दी तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ईरान में कुत्ते पालना गैर कानूनी है। ऐसा करते पकड़े जाने पर सजा के तौर पर 74 कोड़े मारे जाते हैं। अमेरिका के लिटिल रॉक आर्कैनसा में शाम 6 बजे के बाद कुत्ते का भौंकना गैर कानूनी है। कुत्ते यदि दाईं ओर पूंछ हिलाएं तो इसका अर्थ है कि वह खुश है। बाईं तरफ पूंछ हिलाने का अर्थ है कि वह दुखी है। सभी कुत्ते भौंकने की शक्ति को समझते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें अपने मालिक का अटेंशन प्राप्त होता है, फिर चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। वह अक्सर अपने मालिक का ध्यान खींचने के लिए भौंकते हैं।
एक कुत्ता पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझ सकता है, यह एक बड़ा कारण है कि वो अपनी घर बड़ी आसानी से खोज लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जानवर लाइका नाम की रूसी कुतिया थी, जिसे वर्ष 1957 में सोवियत रूस द्वारा अंतरिक्ष भेजा गया था, किंतु अंतरिक्ष यान में अत्यधिक गर्मी के कारण उसकी मौत हो गई। ग्रीस और बुल्गारिया के मध्य एक युद्ध महज इसलिए हुआ था कि ग्रीक का कुत्ता बुल्गारिया की सीमा पार कर गया था। यूएसए में सबसे अधिक कुत्ते होते हैं, लगभग 76 मिलियन डॉग्स। यहाँ 3 में से एक परिवार में पालतू कुत्ता होता है। दूसरे क्रम पर ब्राजील आता है, उसके बाद चाइना। चाइना में प्रतिदिन लगभग 30,000 कुत्तों को उनके मांस के लिए मार डाला जाता है। यदि आपका कुत्ता घर से बाहर चला गया है तो उसका पीछा करने के स्थान पर जमीन पर लेट जाइए और स्वांग कीजिए कि आपको चोट लगी है। आपका कुत्ता आपको देखने वापस आ जाएगा। जब कुत्तों के मालिक द्वारा किसी अन्य के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने पर कुत्तों को जलन हो सकती है। कुत्तों को अक्सर गाड़ियों के पीछे भागते देखा जाता है। दरअसल कुत्ते गाड़ियों के टायर पर पेशाब कर अपना इलाका तय करते हैं। जब वह गाड़ी दूसरे मोहल्ले से गुजरती है तो वहां के कुत्तों को पेशाब की वो गंध सहन नहीं होती और वो गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको कुत्ते के बारे में ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट नोटिफाइड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एज वेल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।